तो भाई सही में आओ तो ये करके जाना है यार, थोड़े पैसे लगेंगे पर जो मजा आएगा ना 5 मिनट आप थोड़े मतलब नहीं बहुत लगेंगे थोड़े ना। तो भाई नैनीताल जाने वाला तो गला बिल्कुल ही हो गया था, कल तो बोला भी नहीं गया, वीडियो एंड में आपने देख ही लिया होगा। बाकी आज जा रहे हैं हम एक नई जगह पे, तो गुलर बोझ करके डैम है यहाँ थोड़ी सी आगे 30-35 किलोमीटर, तो देख के आते हैं वहाँ बढ़िया व्यू आता है, तो घूम के आते हैं, बाकी कल निकलेंगे अपना वही घर की ओर। तो चलिए करते हैं लोग की शुरुआत। चलो सो इंदर आर्या ने गाना सुना होगा आपने, कुमाऊं का द्वार पल्ली घूमे लिए हल्द्वानी, तो लाई लोग देख लो यहाँ से है कुमाऊं का द्वार है हल्द्वानी, तो यहाँ से कुमाऊं स्टार्ट हो जाता है क्या। हाँ जस्ट बगल में भाई घर है अपना। तो भाई कल तो हम दो जने स्कूटी में गए थे और भाई को बस में भेजा था, तो आज हम तीन ही बस में जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा एक जने को अकेले छोड़ने से अच्छा नहीं लगता। ये लोकेशन का पता भी नहीं है बिल्कुल, नैनीताल तो चलो सीधी है, यहाँ के लिए घूम घूम के जाना पड़ेगा। तो भाई ने मिली भाई हमको वाहन चलते नहीं भाई पीछे ठीक है। सौरव जोशी घर यहीं पर ना, तो सौरव जोशी का घर दिखाऊंगा अगर मतलब रास्ता आगे से अगर दिखेगा तो, बाकी उधर कोई जाना हमने अभी। गुलर बोझ के लिए तीसरा व्हीकल चेंज, तो भैया सेकंड व्हीकल भी चेंज कर लिया, सेकंड या थर्ड करा हमने, किराया दे दिया किराया दे। अब एक और चेंज करना है, मैं तो क्यों लाया ऐसी जगह हमको दिमाग खराब करने यार। मैंने बोला तो तूने ही बोला और हमने बोला। सो भाई यहाँ पे खतरनाक ही सीन है यार, बताओ इतने व्हीकल चेंज कर लिए उधर पहुंचे नहीं हम, बाकी अभी भी एक टुक टुक लेना पड़ेगा मतलब ई रिक्शा, यहाँ टुक टुक कहते हैं फिर भी पता नहीं कैसे, अब लोकेशन अच्छी नहीं मिले तब बताएंगे भाई तेरे को, बहुत तारीफ कर रहा तू। मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ यार, ये स्कैम कर रहा हमारे साथ का देख ले। सो भाई गुल्लर बोझ तो यहाँ लिखा है बट डैम आ गया है 3 किलोमीटर। सब पहले पहुंच चुके भाई डैम की तरफ को, यहाँ से ऊपर को है, तो ई रिक्शे वाले तो 150 रुपये मांग रहे 3 जनों के, बाकी वो तो अच्छा है हमको भी मिल गया, उनको ऑल्टो खड़ी है ना तो उनने हमको लिफ्ट दे दी, भले लोग हैं हमारे देश में बहुत अभी, तो उनका रिजॉर्ट यहीं आगे कहते अगर कुछ गाड़ी ना मिले तो मेरे को बता देना छुड़वा दूंगा, और क्या ही चाहिए ना, और क्या ही मांगता है। चलो फिर चलो ऊपर डैम देखते हैं। ओ भाई डैम खूबसूरती, समुद्र लग रहा है तो पूरा आगे तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कितना लंबा है? 10 किलोमीटर। ओ भाई यहाँ तो दूर दूर तक तो कुछ नहीं दिख रहा, धुंध है। सुबह गहराई देख लो इसकी फिलहाल, यहाँ 789 फीट गहराई। कहाँ से आ गए भाई? बाबा से आ रहे हैं साइकिल में। बाबा हम भी साइकिल में आते, फिर तेरी हो रही थी कि बस में चलेंगे। मैंने तो स्कूटी में बोला, तुम्हारी हो रही थी। अच्छा ये देखो देखो भाई साहब, ये बच्चे सही है यार, कितनी दूर से आ रहे हैं वैसे? बाबा मंदिर जहाँ पर तुम्हें बोला वो शिव जी का मंदिर है, तो मतलब हो गए 35-30 किलोमीटर करीब, 30 किलोमीटर। ओ भाई साहब 30 किलोमीटर साइकिल पे, मनीष देख रहे डेडिकेशन बच्चों का, हम वहाँ पर हम खर्चा करके आ रहे हो साइकिल में आ रहे हैं। हाँ बता। सो भाई कई गांव थे बीच में रास्ते में, बाकी पूरा गांव के बीच में ही है, मतलब गांव है इस साइड में पूरा बना रखा मस्त डैम, मतलब ब्यूटी बहुत सही आ रही है। बाकी आगे देखते हैं, अभी तो पैदल चलना आधा किलोमीटर करीब, वहां देखेंगे बोटिंग बोटिंग क्या क्या बता रहे थे कई चीजें हैं। सो भाई ये मेन जगह जो डैम की है ना, हम तो बहुत ही दूर से पैदल आ रहे हैं यार, चल के दो ढाई किलोमीटर पैदल चला है। चलो कोई नहीं, फाइनली पहुंच गए लोकेशन पे मेन, तो पैदल वालों के लिए है रास्ता, यहाँ से पार्किंग नीचे की साइड है। भाई साहब गला ही बैठी है यार, बिल्कुल मौसम बहुत ठंडा है सही में। स्पीड बोट 250 रुपये, 250 10 मिनट के। गुणा में और भी क्या लिखा है, पर्सन गुणा में तो मिटा रखे पर्सन, एक स्पीड बोट पे 10% मिटाएगा। सुबह ये स्पीड बोट अच्छी बना रखी है। चलते हैं भाई आगे देखते हैं, इतने धूप तो आने रखी तो कुछ मजा आएगा नहीं पानी में जाने का, ऐसे तो इतने आगे घूम लेते हैं। सुबह अभी गई थी स्पीड बोट वही है, तो 10 मिनट होने वाले हैं, आ भी गए अपनी जगह पे। बाकी यार बताओ 250 रुपये ले रहे हैं इतने से 10 मिनट के, बहुत महंगे है भाई।
तो भाई डैम का जो पानी है ना यहाँ से निकल रहा है, देखो निकासी का। हाँ यहाँ बढ़िया आ रहा है, देखो पानी का कैसे जा रहा नीचे। मतलब गार्डन है पानी का इधर। कोई बहाव देखो यार, अलग ही आवाज आ रही है। यहाँ से फोटो खिंचवाते हैं, तो मस्त लग रहा है यार। देखो कैसे डाउन में जा रहा है जो अलग ही। ये क्या बना रखा है, बारिश से बचने के लिए? गर्मियों के लिए पर। अच्छा, पिकनिक के लिए सही है, बना रखा जुगाड़ भाई। आगे जंगल सही है। यही कुछ था गार्डन। मैंने थोड़े कपड़े चेंज कर लिए, अपने स्वेटर गर्म हो गया ज्यादा, तो ऐसे हो गए। अब हम चेंज कर, अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं वहाँ बोटिंग वोटिंग का क्या सीन है, आगे भी कुछ है कि नहीं। सो यहाँ देखो भाई कितना खतरनाक बहाव है, क्योंकि ये खोल रखा है ना अभी थोड़ा, बाकी बंद कर देंगे तो पानी का स्तर बढ़ता है, इसलिए थोड़ा खोल रखा है। बाकी यहाँ पूरा दिखा रखा है हाइट, 796 फीट कैपेसिटी कितनी दिखा रखी है, जो भी यार इतना पढ़ना MCFT का मतलब नहीं पता मेरे को, पर क्या देख रहे जो भी है। सो अभी जस्ट हम ना बोटिंग के लिए जाने के लिए सोच रहे थे, देखो इतने बड़े बादल आ चुके वहाँ से आगे था, अभी अभी धूप को ही कवर कर लिया। नसीब कितना गंदा है यार अपना, हम सोच रहे थे बोटिंग करते जाएंगे ही, अब फंस रहे यहाँ फिर से, वही हो गया छाव। सो भाई जेट स्की कहते हैं इसे, बट ये अवेलेबल नहीं है, और 500 रुपये है इसकी राइड, पूरा घुमाएगी डैम, तो ये गर्मियों में ही होगी मेरे हिसाब से। बाकी ये मोटर बोट 250 रुपये पर पर्सन, ये हम कर नहीं रहे, बाकी ठीक है, बढ़िया है जगह घूमने की, भाई आना चाहे तो। सो भाई जेट अटैक है यहाँ पे, हम सोच रहे हैं उसमें घुमाते हैं, भास्कर कह रहे हैं बाद में घूमने, क्योंकि दो बंदे अलाउड है ना उसमें एक टाइम पे, एक बंदे के लिए महंगा है, तो देखते हैं हम ही घुमाते हैं। ये कह रहा बाद में देखूंगा, पक्का ना यार, फिर ठीक है अपना ब्लॉग लेके आऊंगा। हाँ ये अपना लाएगा, अपने चैनल बनाएगा जब। सुबह जेट अटैक है वो, उसमें जा रहे हैं हम कह रहे आए हैं तो कहीं तो करते हैं एडवेंचर थोड़ा, तो 5 मिनट के हम 250 रुपये देंगे पर पर्सन। कोई नहीं, 500 रुपये कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट में सुकून मिलना चाहिए, मजा आना चाहिए, लगना चाहिए साला उतनी दूर से आए हो तो कुछ ना कुछ किया भाई। सो ये मिल चुका पर्चा, आज तो यहीं से वीडियो स्टार्ट कर दे, इसको कैमरा मैन बनाते भाई, बाहर की वीडियो बनाएगा तो बाहर की वीडियो तू बनाते, हम अंदर की भाई। हाँ जैकेट कौन सी, यहाँ से? ओके ठीक भाई, दो जने हम जा रहे हैं, भाई बाहर से वीडियो बनाएगा, चलते हैं अभी, तू छोटी डाल ले यहीं पे, तो आना तूने, तो चलते हैं भाई। क्या डालता है इसमें, डीजल पेट्रोल? अच्छा तो पेट्रोल से चलेगी भाई, हम दो जाएंगे भैया ड्राइवर हमारे साथ में, हम भी चला ले। नहीं भाई कह रहे मेरे को भी अपनी जान प्यारी है। फिर आप जैकेट पहन रहे हो, आप भी पहनोगे ना? नहीं वो एक्सपीरियंस सही बात है, रोज वाले क्या। चल भाई मनीष बैठ, 5 मिनट में पैसा कर देना बस, मजे आ जाए, ठीक है, लगे हमको पैसा वसूल हो गया। आगे बैठना है, देखो किस तरह गया, किस तरह गया आगे। तो बैठ चुके भाई हम, अबे पीछे को मुंह कर, आगे को पड़ा पाए है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, अपने आप कर लेंगे, वो तो बीच में चेंज कर सकते हैं बैठने का, ठीक है। I don't know.
समझ लिया हो चुकी है भाई 5 मिनट की राइड कंप्लीट। और 5 मिनट का जो एक्सपीरियंस था ना भाई, ये वो नैनीताल के 1 घंटे से भी ज्यादा खतरनाक ही था। भास्कर चल कोई नहीं, अगली बार कर यार, इस बार तो मिस कर दिया। मजा आ गया भैया, थैंक यू। गजब यार गजब, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। तू तो स्टाफ वाले बंदा भाई, एक सेकंड। थैंक यू भैया, मजा आ गया सही में। चलो चलाने नहीं दे, बस चलाने और देते ना तो हम ड्रिफ्ट मारते हैं। 500 रुपए लगे तुम्हें? अरे वसूल यार। सो भाई मजे आ गए भाई, सही में नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, बात क्या, पड़ोसी यार तू तो कर लेगा फिर कभी भी। सो भाई अगली बार आएंगे तो इसको चलाएंगे यार, इसमें ब्रेक और वही दो चीज। चल अगली बार इसको चलाएंगे। कौन सा? हाँ ये रही भाई, इसका अब ये नेक्स्ट अपना सपना ये है, ये वाला तो हो गया पूरा। टिहरी एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स देहरादून भाई, तेरे को पता वो वाला अकेले कोई बंदा चला सकता? सोच के ऐसी चीजें पानी वाली यार, रोज चलाता कोई? स्टीयरिंग हाथ पे आ जाती ना? अरे नहीं भाई, नहीं कहने की बात है, बट मजा आया यार जो भी है। सो भाई यहाँ आना, पैसा वसूल हो गया, क्योंकि मेन तो धूप का था हमारा, धूप आई गई थी। तो भाई सही में आओ तो ये करके जाना है यार, थोड़े पैसे लगेंगे पर जो मजा आएगा ना 5 मिनट आपको, मतलब नहीं बहुत लगेंगे थोड़े ना यार, 500 तो यार ठीक है, 2 जनों के 250 ही तो है बंदा, पर यूँ यार दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, तुमको पैसा वसूल हो जाएगा ना। सो अब निकल गए यहाँ से हम डैम से, अब चलते हैं घर को। बाकी 3 बज चुके हैं, ये डैम का रास्ता अब हम नीचे से जा रहे, पहले ऊपर से गए थे। बाकी देखते, व्हीकल ही नहीं मिल रहा है यहाँ, लिफ्ट मांग के जाना पड़ेगा, ऐसा भी लग रहा सारे गाड़ी यार फैमिली वाली है यार, इनमें जा सकते। सो इसको यहाँ तक ही मिली थी लिफ्ट, इतना था पैदल में यार, क्या फायदा इसका लिफ्ट लेने का? क्या फायदा तेरा लिफ्ट लेने का? कि वो दौड़ के आ रहा है। मैं जा रुका हूं यहां पे। क्यों? मैंने कहा तुम लोग पैदल हो फिर तब जाकर, तो मैंने कहा बाइक कहाँ गई? बाइक चली गई आगे। अबे यार तो भाई हम दोनों तो पहुंच गए लिफ्ट लेके, मनीष वगैरह उसको पहले बैठा हमने, फिर भी लेट हो गया। आ रहा है इसके पीछे? अरे हाँ वो आ गया। तो अभी चल रहे भाई अपने छोले समोसे खा के फिर निकलते हैं, बाकी यहीं से खा रहे हैं अभी। जो भी क्या नाम है डैम का, नाम क्या नाम है डैम का? गुल्लर बॉय में भूल गया। सब पकड़ लिए भाई गाड़ी, अभी निकलते हैं घर को। सो यहाँ से अब टैक्सी का करते हैं इंतजार, हल्द्वानी के लिए गाड़ी से उतर चुके हैं, तो अब चलते हैं घर। बहुत लेट हो गए, कहाँ सोचा 4 बजे पहुंच जाए घर, 5:30 यही हो गए। अभी 1 घंटा रहेगा और है ना, 1 घंटा फोड़ा लगा लो। अभी रुद्रपुर आया हूँ उल्टा, क्योंकि गाड़ी उधर से कोई मिली नहीं, तो इधर से आप उल्टा जाएंगे हल्द्वानी। सो फाइनली चलते भाई, फाइनली हल्द्वानी। चलो चलो आ जाओ, आप भर ही गए। अरे भाई सब कितनी देर लगाई, मिल गई सवारी। चलो चलो, तो टाइम हो गए 7:30, तो कल नैनीताल भी 7:30 बजे ही पहुंचे हैं, क्योंकि कल अपना था व्हीकल, तब हम लेट निकले थे। बाकी आज हम 4 बजे कितने 3:30 बजे निकल गए थे, अब जाके 7:30 पहुंच रहे। सोचो व्हीकल में कितनी दिक्कत लगती है आने जाने में, तो अपना व्हीकल लेके जाना भाई कभी भी जाओ घूमने। तो चलिए करते हैं फ्लैश वीडियो एंड, हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चलो हाँ जी, वीडियो डैम टाइम, अरे 3:15। हाँ जी अभी टाइम बहुत है, कोई मेरे दिमाग में डैम ही घूम रहा था।